Okay, should we guys, are you all right, comfortable? Should we begin? Thumbs up and show me. Should we begin? Fine, great. Okay, so what is there? Everywhere there is एनर्जी एंड वी ऑल नीड दैट एनर्जी राइट। अब एक चीज समझो कि एनर्जी जो है वो ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, कहीं और से एनर्जी नहीं आ रहा राइट। तुम सबने समझा कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, और फोटोसिंथेसिस में तुमने एक लीफ बनाई होगी। डिड यू ऑल फॉर्म दिस सॉर्ट ऑफ लीफ? सबने बनाई थी। लीफ के ऊपर सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी आ रही थी? सन की आ रही थी। तो सन क्या देता है एक्चुअली लीफ को? सन से क्या मिल रही है हमें? जल्दी क्विक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फोटोसिंथेसिस मैम ने करवा रखा है, फोटो का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो? यस, द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू माई हु रोज हर हैंड लाइक दिस। यस बेटा, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। वेरी गुड। फोटो मीन्स लाइट, एंड हियर वी आर ओनली फोकसिंग ऑन सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट यहाँ पे क्या काम कर रहा है? इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ओवर हियर। इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ओवर हियर। अब सीधा समझो कि एनर्जी जो सनलाइट हमें दे रही है वो फूड के फॉर्म में किसको मिल रही है? प्लांट्स को। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बायो के साथ हम किसको लिंक कर रहे हैं? फिजिक्स को राइट। और फिजिक्स यहाँ पे क्या कह रहा है कि एनर्जी कैन इज द बोर्ड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड राइट। ना तो क्रिएट हो सकती है, ना ही क्या कर सकते हैं हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। देन फिर होता क्या है? देन व्हाट डू वी डू? वी सिंपली से इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, कि भी क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पे जब एनर्जी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो जो सनलाइट वाली एनर्जी है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है, किस में चेंज हो रही है? सनलाइट किस में चेंज कर रहे हैं? जल्दी, एनी आइडिया? कौन सी एनर्जी मिल रही है प्लांट्स को? विच सॉर्ट ऑफ एनर्जी आर दे गेटिंग? इफ माई वॉइस इज ऑडिबल, इफ माई वॉइस इज ऑडिबल, तो बताओ जरा मुझे कौन सा एनर्जी यहाँ पे चेंज हो रहा है? सनलाइट यहाँ पे आई, सनलाइट यहाँ पे आ गया, सनलाइट के बाद यहाँ पे बना क्या? क्विकली हम लीफ के अंदर ही रिएक्शन कर रहे हैं ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है, लीफ के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसका नाम क्या है? जल्दी, वेरी गुड, क्लोरोफिल। अब देखो यहाँ पे क्लोरोफिल क्या करता है, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल क्या कर रहा है? सनलाइट को अब्जॉर्ब कर ले रहा है, और अब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे दो रॉ मटेरियल वो ले रहा है। कौन कौन से रॉ मटेरियल ले रहा है? CO2 पता है आपको क्या होता है? कार्बन वेरी गुड, व्हाट इज CO2? कार्बन डाइऑक्साइड राइट, प्लस H2O इज द फॉर्मूला फॉर वॉटर। परफेक्ट। एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड व्हाट एल्स? क्लोरो। ठीक है, क्या बना? आपने लिखा फूड प्लस ऑक्सीजन, ये सबको पता है। तो फूड किस फॉर्म में होगा? फूड किस फॉर्म में होगा बेटा? द फूड विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। द फूड विल बी इन द फॉर्म ऑफ, ओह साथ में क्या बन निकला?
ऑक्सीजन, निकला ऑक्सीजन। तो ये कहाँ पे किसके अंदर हो रहा है ये सारा का सारा रिएक्शन? लीफ के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है? लीफ के अंदर। और लीफ में एक स्पेशल जो है वो ऑर्गन है क्लोरोफिल, जहां पे प्रेजेंट होता है, जहां पे ये सारी चीजें जो है वो एक्ट करती हैं। अब बताओ वो ऑर्गन कौन सा है क्विकली? हैव यू सीन सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन योर बुक? देखा है इस टाइप का स्ट्रक्चर आप सबने? कौन सा स्ट्रक्चर है ये क्विक? और यहाँ पे छोटे छोटे से जो है, अगर आपके पास ग्रीन कलर है तो आप उस ग्रीन कलर से शो कर सकते हो इसको। जल्दी बताओ क्या होगा ये सारा? दिस इज कॉल्ड, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा। व्हाट डू वी कॉल इट एज? स्टोमेटा। एंड ये दोनों है हमारे गार्ड सेल्स। क्या है ये दोनों? ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम कह देते हैं ओपनिंग को, कह देते हैं हम स्टोमा। ओपनिंग को क्या कह देते हैं हम? स्टोमा। ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये छोटी छोटी जो मैंने बनाई है ना ये, ठीक है, इसको ग्रीन कलर से तुम बना सकते हो छोटे। ये बड़े पर फोकस मत करना, ये बड़ा वाला न्यूक्लियस है। ये जो छोटे छोटे हैं ये वाले, जिनको मैं कह रही हूँ ग्रीन कलर से भी आप शो कर सकते हो, इनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? एंड दिस क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट। क्या नाम है उस ग्रीन पिगमेंट का? एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? टू अब्सॉर्ब। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? टू अब्सॉर्ब। परफेक्ट, टू अब्सॉर्ब सनलाइट, राइट? सो शुड वी मूव अहेड? अब यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मेशन किसकी हो रही है? हमने कहा एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो सन एनर्जी दे रहा है वो गया कहाँ? जल्दी कहाँ गया? क्विकली क्विकली कहाँ गया एनर्जी? ये एनर्जी जो है वो किसमें यूज हो गया? फूड बनाने में। किसमें यूज हो गया? फूड बनाने में। और जब कभी भी एनर्जी जो है वो यूज होती है किसी रिएक्शन में, एनर्जी किस रिएक्शन में यूज होगी? किसी भी रिएक्शन में अगर एनर्जी यूज हो रही है तो हम वर्ड इन जा रही है ना। यूज होने का क्या मतलब है? इट इज गोइंग इनसाइड, इट इज गोइंग इनसाइड। तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। आई होप यू पीपल आर नोटिंग डाउन द की पॉइंट्स माय डियर वंस। आर यू ऑल? हम उसको कहते हैं एंडो थर्मिक। क्या वर्ड यूज करते हैं? एंडो थर्मिक, यानी कि एनर्जी क्या हो गई? इनसाइड गई और यूज हो गई फर्दर। क्लियर? एंडो मतलब अंदर। एंडो का क्या मतलब है? अंदर। अप टू हियर एनी डाउट? Yes. बोलो बेटा। Yes. आई आस्क वेदर एनी डाउट, इफ एनी डाउट तो बताइए क्या डाउट है। आई बी रिजॉल्विंग क्विक बच्चे। इफ देर इज एनी डाउट जस्ट आस्क मी, आई बी रिजॉल्विंग दैट डाउट। वन ऑफ यू जस्ट कम आउट एंड स्पीक योर डाउट माई डियर। सेवेंथ ही भवन जोशी एंड ऑल क्लियर है सारा कुछ बेटा? चले आगे। बेटा मैंने कहा कोई डाउट तो नहीं है, आगे चले। भवन जोशी जी बेटा, होल्ड द माइक इन योर हैंड, होल्ड द माइक इन योर हैंड। यस ठीक है, बोलो बच्चे। एनी एक्सक्यूज मी मैडम, आपका आपने ना जो माइक है ना उसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, तभी बच्चे की आवाज आ नहीं रही।
नहीं, टीचर्स ने, टीचर ने बोला उनकी आवाज आ रही है, कुछ नहीं, हेयर टीचर की प्रॉब्लम। आवाज आ रही है बिकॉज वो आ रही है अपने कैमरे से आ रही है, कैमरे अच्छा वाले अच्छा माइक से आ रही है। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ये जो बच्चे ने पकड़ा हुआ ना ओमनी डायरेक्शनल माइक, तभी आवाज आएगी ना। एक्सक्यूज मी मैडम, सेवंथ ए में जो भी मैडम है, हाँ आप ना इसको ये जो कर्सर, ये अपना जो कर्सर को वहां पर स्क्रीन पर लेके जाएं और सेलेक्ट कीजिए लेफ्ट साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट में ना म्यूट आ रहा है ना, म्यूट वाला, उसके साथ में एक छोटा सा कर्सर होगा, उसको आप क्लिक करेंगे ना तो सबसे ऊपर आपने देखना कि कौन सा माइक सेलेक्ट किया हुआ है। माइक्रोफोन माइक्रोफोन हाँ अब बेटा बोलो। बच्चे, होल्ड द माइक इन योर हैंड, होल्द द माइक इन योर नहीं हैंड नहीं एंड देन नहीं ट्राई नहीं टू स्पीक। होल्ड हाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम। नहीं, ये माइक्रोफोन कौन सा है मैडम? हेलो, अभी आवाज आ रही थी सर। यस सर, हाँ हाँ नो अब नो आ नो रही है, इट्स आ ओके। हाँ रही है सर। सर ही इज नॉट स्पीकिंग लाउडली। या थैंक यू सो मच मैम, नाउ इट्स ऑडिबल। थैंक यू मैम। बच्चा नाउ स्पीक अप माय डियर, बोलो बेटा। हाँ कुछ है डाउट आपको? ओके नो, फाइन, दैट्स फाइन, देन नो नीड। बच्चा अगर किसी को भी डाउट है ना, एक ऐसा भी कर सकते हैं हम, जस्ट टू सेव आर टाइम एंड ऑल, आप मैम को बता सकते हो, मैम कैन जस्ट कन्वे द डाउट टू अस, राइट बच्चा? या फिर जो YouTube चैनल मैम ने बता रखा है वहां पर भी एक डाउट सेक्शन होता है, ठीक है? यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन ओवर देयर एंड वी विल बी रिजॉल्विंग द सेम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सेवेंथ बी एज वेल, द टर्म्स आर क्लियर टू यू? ओके बच्चा, यू जस्ट गेट बैक टू योर सीट। शुड वी कंटिन्यू देन? एंडो का क्या मतलब हो गया? अंदर, कि यहाँ पे क्या हुआ, जो एनर्जी है वो यूज हो गई। अब जब एनर्जी यूज हुई तो आगे बना क्या? तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एनर्जी यूज होके, देखो लाइट एनर्जी जो है गेटिंग कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। किस एनर्जी में कन्वर्ट हो गई वो, ठीक है? अब केमिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट हुई है तो सीधी सी जो चीज है जो तुम्हें समझना है कि रिएक्शन कौन सा होगा। ऑलरेडी आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्लास 6 में कर चुके हो। कौन कौन से दो टाइप के रिएक्शंस किए थे आपने? चेंजेस, जिस जो हम कहते हैं, कौन से दो टाइप के चेंजेस किए थे क्लास 6 में? यस यस स्पीक अप। दैट सेवेंथ बी गर्ल सिटिंग एट सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट, ये कम आउट बच्चा, क्विक बी क्विक। कौन कौन से? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, परफेक्ट। सो देयर वर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। और हमने क्या कहा कि अगर कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, अब देखो यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और नया क्या बन गया, ग्लूकोज। नया क्या बन गया, ग्लूकोज। तो नया प्रोडक्ट बन गया ना, बिल्कुल बिल्कुल ही डिफरेंट, जिसमें ना तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी है ना ही वाटर की प्रॉपर्टी है। तो ये जो बना, तो इसको हम कौन सी एनर्जी कह रहे हैं? केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कहाँ से मिली? सन से। और वो किस में कन्वर्ट हो गया? केमिकल एनर्जी में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके सो मैम मस्ट हैव गिवन यू वन असाइनमेंट प्रीवियसली। कौन सा असाइनमेंट दिया था सबके पास है? डियर टीचर्स, वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली चेक दैट ईच बेंच हैज वन असाइनमेंट सो दैट दे मे सॉल्व। ऑफ ओके सेकेंडली वन मोर इंस्ट्रक्शन टू ऑल ऑफ यू, इफ एनीवन इज नॉट हैविंग, राइट, सो इंस्टेड ऑफ ग्लिम्सिंग ओनली इन एनीबडीज यू नो अदर वंस असाइनमेंट एंड चेकिंग एंड जस्ट गॉसिपिंग और समथिंग, व्हाट यू नीड टू डू इज यू टेक आउट योर वन पेज और वन शीट फ्रॉम अ नोटबुक एंड देन कीप राइटिंग योर ओन आंसर सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज योर प्रोग्रेस एग्जैक्टली, ठीक है? तो दूसरों को आंसर बताने की जगह क्या करना, थोड़ा सा इस टाइम ना सेल्फिश होना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जब कॉम्पिटिशन होता है तो क्या होता है, सेल्फिश, ठीक है? टॉप करना है, मुझे करना है, समझ गए? तो
तो अपनी अपनी कॉपीज भी लिख लीजिए, और जो आंसर अगर नहीं है आपके पास असाइनमेंट, तो बेटर आप उस पे लिखते जाइए। आई थिंक स्पेक्ट्रम वाला आप ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर वन। इफ देर इज एनी वन हु डिडंट वर्क आउट क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन हो चुका है। अगर हो चुका है तो एक फिंगर रेज करो। परफेक्ट परफेक्ट, ओके। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर टू। शुड आई रब द बोर्ड इफ यू डोंट माइंड? ये सारे डायग्राम्स आपने कर लिए हैं, मैं रब कर दूं बोर्ड को? परफेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर टू, वर्क इट आउट क्विकली। ऑप्शंस में गिवन है, एमसीक्यू गिवन है, राइट? यहाँ पे आपके पास है क्या कि रेड कलर्ड लीव्स हैव डैश पिगमेंट्स। आपने देखा होगा क्रूटॉन्स की लीव्स, है ना? तो क्रूटॉन्स में नॉर्मली होता क्या है कि एक पैटर्न सी बनी होती है, या तो कई बार क्या, जैसे मनी प्लांट का भी लीफ दिखा होगा या क्रूटॉन का देखा होगा, तो उसमें ना बड़ी बड़ी पैचेस सी होती हैं। पैचेस किस चीज की? कि लाल रंग नजर आता है, और जैसे ही उस लाल रंग का जो ऊपर वाला कवरिंग हटाओगे ना, तो तुम्हें अंदर से हल्का हल्का वो ग्रीन कलर नजर आएगा, राइट? देखा है कभी आपने पत्ते प्लांट्स के? देखा है लाल रंग का कोई लीफ देखा है कभी? ऐसे नॉट तो कर सकते हो, हाँ देखा है। सबने घर में प्लांट्स लगा रखे हैं, तो क्या रेड लीफ प्लांट लगाया कभी? यस। तो उसको जब कभी एक्सपेरिमेंट किया है, कभी पत्ते तोड़े हैं कि मम्मी पीटती है कि बेटा तो पत्ते तोड़ने नहीं है? हु टेक्स केयर ऑफ द प्लांट्स, यू योर सेल्फ और योर पेरेंट्स? कि गार्डनर बुलाते हो, माली बुलाते हो, माली भैया देखना है इसको, ठीक करना जरा। कौन कौन अपने घर के प्लांट्स खुद ध्यान रखता है कि ये मैंने लगाए हैं, आई नीड टू लुक आफ्टर? वेरी गुड। सो पैट योर शोल्डर्स दोज हु यूज टू डू ऑल दीज थिंग्स, राइट? बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू नो वर्किंग फॉर योर सेल्फ ओनली, ठीक है? जितने प्लांट्स लगा रहे हो, दैट मीन समहाउ समवेयर यू आर यू नो प्लेइंग फॉर योर ओन करियर एज वेल एज फॉर योर ओन लाइफ। और हर किसी ने कम से कम 100 प्लांट्स तो अपनी जिंदगी में लगा लिया करो, मिनिमम 100, ठीक है? चलो, तो पहला क्वेश्चन है, रेड कलर्ड लीव्स हैव डैश पिगमेंट्स। और हम ना दो ग्रुप बनाते हैं, सेवेंथ ए से भी दो और सेवेंथ बी से भी दो। शुड आई जस्ट टेक आउट द नेम्स फॉर ग्रुप्स? फटाफट ग्रुप का नाम बोलू मैं? रैंडमली मैं कोई नाम बोल रही हूँ, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट डे, आई एम नॉट अवेयर अबाउट यू पीपल, तो मैं एक रैंडमली नाम बोल रही हूँ। शुड आई माई डियर वंस, द फर्स्ट टर्न इज ऑफ सेवेंथ ए। सेवेंथ ए भविंदर सिंह, भवनिंदर सिंह, सॉरी, प्लीज कम आउट। देन अमनदीप सिंह, हु इज अमनदीप सिंह? एब्सेंट एबसेंट, ओके। मनजोत सिंह, बेटा दोनों खड़े हो जाओ दोनों। और एक तीसरा बच्चा हरसिमरन कौर, हरसिमरन कौर, ये एक फर्स्ट ग्रुप है। सेकेंड ग्रुप फ्रॉम सेवेंथ ए आई एम स्पीकिंग, भवन जोशी, हु इज भवन जोशी? ओके, ये तुम अलग खड़े हो जाओगे बेटा। देन कमिंग टू महक प्रीत कौर, हु इज महक प्रीत कौर? ठीक है। एंड देन दिस इज नवजोत कौर और नरजोत, सॉरी इफ आई स्पीक द रॉन्ग नेम, नरजोत और नवजोत। जोत मैम, देयर आर टू स्टूडेंट्स ऑफ सेम नेम। 155 इज ओके, वेल थैंक यू सो मच मैम। सो लेट्स कम ऑन टू सेवेंथ बी, होल्ड योर ब्रेथ, हु आर दोस? शुड आई स्पीक द नेम्स? ओके, फ्रॉम सेवेंथ बी आई वांट अमनप्रीत, हु इज अमनप्रीत? कम आउट। द नेक्स्ट वन इज प्रबलीन, प्रबलीन। द नेक्स्ट वन हरजोत, ओके। दिस इज वन टीम, एंड द सेकेंड टीम इज रितिका, रितिका, फाइन। द देन इट इज देवपुरी, इफ देवपुरी इज देयर? हाँ
देवपुरी राइट ओके द नेक्स्ट इज प्रभ कीरत इफ प्रभ कीरत इज देयर प्रभ कीरत परफेक्ट परफेक्ट सो देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ थ्री स्टूडेंट्स ईच एम आई क्लियर ओके आई कैन इजिली मेक आउट कि भी तीन तुम्हारी रोज बनी हुई है तीन ही बनी हुई है कि ज्यादा बनी हुई है तीन कॉलम्स हैं ऐसा ही है सब भाई वो कह रही है कि साइड हो जाए भाई आई शुड बी विजिबल टू मैम एंड मैम शुड बी विजिबल टू मी राइट गाइस द गर्ल इन पिंक एंड व्हाइट ये क्या बैचेस हैं तुम्हारी अप्रिशिएशन कुछ विच यू अप्लाइड ऑन टाई 7th B ये फ्रंट में जो दोनों बैठी हुई है अर्थ डे सेलिब्रेशन हो रहा है मुझे लगता है ऐसा ही कुछ है अर्थ डे बैचेस यू पीपल हैव वोट 7th A एज वेल एज 7th B अर्थ डे बैचेस यू पीपल हैव वोट पता नहीं ठीक है चलो हाँ जी बेटा तो पहला क्वेश्चन है ग्रुप्स में आंसर करना है एंड द रूल फॉर दिस इज जो बाकी के बैठे हैं यू मे कम्युनिकेट योर आंसर ये 7th A और 7th B के बीच में कॉम्पिटिशन है राइट और यहाँ पे दो दो टीम्स हर क्लास में बटी हुई है जो पीछे बैठे हैं वो अपने फ्रेंड्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये आंसर है तूने ये बोलना है शुड आई स्पीक द रूल रूल नंबर वन जो भी पहले क्लैप करेगा उसे चांस मिलेगा आंसर करने का ठीक है 7th A स्टैंडिंग इन प्रॉपर यू नो और 7th B थोड़ा ढंग से खड़े हो जाओ बेटा माइक के पास की फटाफट माइक पकड़ो क्लैप करो माइक पकड़ो और आंसर बोलो इस टाइप का बजर सॉर्ट ऑफ राउंड शुड वी आर यू रेडी रूल्स क्लियर है थम्स अप शो करो रूल्स क्लियर है ठीक है टीम्स जो भी पहले क्लैप करेगा एक रिप्रेजेंटेटिव रख लेना जो क्लैपिंग करेगा ठीक है जो बहुत एक्टिव सा तुम्हें नजर आएगी भाई इसकी क्लैपिंग तो पक्का हमें जिता देगी तो कंपटीशन बिगिंस नाउ एंड क्विकली वाला आंसर चाहिए मुझे फिर उसके बाद वेट नहीं करना रेड कलर्ड लीव्स हैव डैश पिगमेंट्स ऑप्शन A B C और D क्लैप एन आंसर यस आई कैन मेक आउट ये 7th A फर्स्ट आई है वो द थर्ड बॉय हाँ बेटा ओके A and B is the correct answer. Both A and B. Clap for this boy. Next. Okay, 7th A has 1 point. 7th A के कितने points हो गए? One. ठीक है. 7th B. मागा. हाँ जी. Plants with red and purple leaves contain nutrition by or from? Yes. 7th B. This side boy. हाँ जी बेटा योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल ऐसा करो वो अगर ए है आंसर तो एक फिंगर बी है आंसर तो दो फिंगर सी ऑप्शन बेटा फिंगर्स दिखा दो अगर डी है तो चार दो बी यू आर सेइंग दैट मींस फोटोसिंथेसिस परफेक्ट सेकंड इज द करेक्ट आंसर तो इवन 7th B हैज गॉट 1 point 7th A and B ओके द नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉपिज्म एंड फोटोसिंथेसिस ऑटो का क्या मतलब होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो इट इज सेल्फ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो सेल्फ नाउ द प्लांट अब्सॉर्ब CO2 फ्रॉम एयर एंड H2O फ्रॉम सोइल परफेक्ट है ठीक है अब गेस द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टिक टिक वन टिक टिक टू टिक टिक थ्री ओके 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 7th A अरे यार तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो मतलब हमेशा ही क्लैप में फर्स्ट आ जाते हो चलो बोलो गर्ल्स तुम पीछे हो रहे हो हाँ जी बेटा यू ओनली हाँ हाँ यू ओनली 7th A जिसने पहले क्लैप किया था पिक करो माइक आंसर बोलो ऐसे सी सी इज ऑटोट्रोफिक एज प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय यूजिंग सी ओ वाटर CO2 एंड लाइट परफेक्ट सी इज द करेक्ट आंसर ओके 7th B सोच रखा है कि 7th A जब आंसर करेगी उसके बाद ही हमने करना है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस
करेक्ट आंसर इज द, ये कौन सा बोला बेटा आपने? सी इज नॉट द करेक्ट आंसर. ठीक, चलो चले आगे. कौन सा बोला बेटा आप लोगों ने? फिर से एक बार बोलो. सी, दो की तीन, दो की तीन. दो. ट्वेल्व एच टू होगा. और यहाँ पे 12 और 2, 12 दुनी 24. देखो इक्वेशन क्या होते हैं यहाँ पे, एक चीज चेक करो. CO2 6 प्लस 6 H2O, ये लिख लो फटाफट. 6 CO2 प्लस 6 H2O गिव्स राइज टू, यहाँ पे देखो तीन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. बैलेंस भी पूछ रहा है तुमसे. कार्बन जरा काउंट करो कितने हैं. कार्बन कितने हैं? 6. हाइड्रोजन कितने हैं? 2 6 12. ऑक्सीजन कितने हैं? प्लस 2 6 7. जल्दी इक्वेशन सॉल्व करो भाई. मेरी, आई एम नॉट अ मैथ्स टीचर, सॉल्व इट फास्ट. अच्छा जल्दी जल्दी. 18. अब सेम तुम्हें इस साइड भी सेम लेकर आना है, तो निकालो यहाँ पे क्या आ जाएगा. 3 6 H12 O6. कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन? जल्दी जल्दी करते जाओ. और फिर यहाँ पे O2 में क्या लिखूं मैं? जल्दी, ये देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, इसको तो ऐसे ही रखेंगे. ठीक है, तो अब अपने पास कार्बन कितना आ गया इस साइड? 6. हाइड्रोजन कितना आ गया? 12. और ऑक्सीजन कितना आ गया? 6. अभी ये वाला ऑक्सीजन भी है. यहाँ पे मैंने क्या फिल करना है, क्विकली सोचो और बताओ कितना करना फिल करेंगे. है 6 अगर किया तो अब बताओ कौन सा इक्वेशन करेक्ट है. अगेन कंफ्यूज. सी और डी, तीन कि चार? एक और चीज याद रखो, जब सीनियर क्लासेस में जाओगे 10th स्टैंडर्ड में, तो इसके साथ तुम्हें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे H2O भी रिलीज होता है. सीनियर क्लासेस में वो करेंगे लेकिन, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में, राइट? और फिर यहाँ पे नंबरिंग जो है वो चेंज हो जाएगी. डिड यू गेट दैट? डिड यू गेट दैट? हाँ, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम ने 7th में तो ये कराया था, 10th में जाकर वो कुछ और हो गया. ट्रांसपिरेशन भी होती है ना, तो ये वाटर भी रिलीज होता है. और वाटर वाला अपने पास ऑप्शन तो था नहीं, तो हमने जो चार बेस्ट ऑप्शन है उसमें से बेस्ट ऑप्शन में से इसको हटा देंगे और बाकी को फोकस करेंगे. समझ में आ गया? ओके जी, चले आगे. कहाँ, यही रहना है? क्वेश्चन में आगे चले कि क्लास में आगे? ओके चलो, रूल इज द सेम, राइट? अभी इसका पॉइंट किसी को नहीं मिला, नीदर 7th A नॉर 7th B, राइट? चले आगे. द नेक्स्ट इज, इन द अबव इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस द सबस्ट्रेट्स आर, यहाँ पे सबस्ट्रेट्स को ओब्लीक डालकर एक और वर्ड लिख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम लोग आगे भी यूज करोगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज, ये 7B. परफेक्ट 7B. चलो चलो जल्दी जल्दी, मिल गया क्लाप मुझे. आंसर बोलो. ओके हाँ जी, कौन सा सबस्ट्रेट? क्या लिखा मैंने? बी
रिएक्टेंट सबस्ट्रेट्स का क्या मतलब है? देखो मैथ्स में एलएचएस और आरएचएस किए कभी? मैथ्स में एलएचएस और आरएचएस किए? जल्दी मैथ्स में एलएचएस और आरएचएस किए? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड? अरे हाँ या ना बताओ ना, मैथ्स में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करते हो ना? यस। तो यहाँ पे भी सेम याद रखो, ये क्या है अपना, कौन सा वाला हैंड साइड, और ये वाला क्या है? तो ये वाली चीज क्या आ गई अपनी, रिएक्टेंस। क्या चीज आ गई ये, और ये क्या आ गया? समझ गए हम, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड क्या है, प्रोडक्ट। चले आगे, आंसर इज वन, आंसर इज वन, CO2 एंड H2O। कौन से है रिएक्टेंट्स? CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलो अगला है, फोटोसिंथेसिस इज अ, फोटोसिंथेसिस इज अ, क्लैप एन आंसर। यस दिस गर्ल सेवेंथ, दिस गर्ल, यस। बी, केमिकल रिएक्शन एज न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर, सेवेंथ बी, सेवेंथ ए प्लस वन, सेवेंथ ए के पॉइंट्स कितने हो गए, वन प्लस वन, सेवेंथ बी कहाँ हो? नेक्स्ट, हाँ जी, अब फोटोसिंथेसिस अब्सॉर्ब एनर्जी, फोटोसिंथेसिस क्या करता है, एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है या फिर यूटिलाइज करता है, इनसाइड जा रहा है, इट इज डैश, क्लैप एंड आंसर, ब्रेक द रूल, क्लैप एंड आंसर, यस यस, एक्सो की एंडो, एक्सो की एंडो, परफेक्ट, इट इज एंडोथर्मिक, सेवेंथ ए जीतती जा रही है, सेवेंथ बी तुम लोग क्लैप करने में पीछे हट रहे हो, ये मेरे ख्याल से तुम्हारी फ्रेंड्स हेल्प नहीं कर रहे, सेवेंथ ए, सेवेंथ बी, योर फ्रेंड्स आर नॉट हेल्पिंग यू, सेवेंथ बी कहाँ पे गलती हो रही है, फ्रेंड्स हेल्प नहीं कर रहे, ओ माइक इज नॉट वर्किंग, एटलीस्ट क्लैप तो करो, एटलीस्ट क्लैप तो करो, मुझे ये तो पता लगे कि सेवेंथ बी जीत रही है, सेवेंथ ए क्लैप कर रही है, वो टीम स्पिरिट के साथ खेल रहे हैं, तुम लोगों में कहीं पर भी टीम स्पिरिट नजर नहीं आ रही, टीम स्पिरिट, गेटिंग माय पॉइंट, सेवेंथ ए तीन पॉइंट पे चली गई, सेवेंथ बी अभी तक एक पर ही है। चलो नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस डैश, yes, 7B, clap and answer, 7B, clap and answer, yes, speak up the answer, अगर बोला नहीं जा रहा तो एक दो तीन चार, कौन सा, one you people are saying, one or two, two, Are you sure? One or two? बच्चा मेरा, मैंने अभी बताया था कि सोलर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में, किसमें कन्वर्ट हो रही है, देखो जरा वहां पे किसमें केमिकल वर्ड यूज किए, दैट मीन्स यू वर नॉट अटेंटिव, सेवेंथ ए, although you people were right, बट देन बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि पहले क्लैप किसने किया था, सेवेंथ बी ने, एंड सेवेंथ बी यू आर फिक्स्ड, अगली बार से ना मैं नेगेटिव मार्किंग करूंगी तुम लोगों की, सी यू पीपल आर लाफिंग ऑन इट, कि है कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग मैम बोर्ड बोर्ड में नहीं होता है ना। चलो नेक्स्ट, इफ लाइट एनर्जी इज नॉट एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब खत्म होना, अगर लाइट एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही, देन इन फोटोसिंथेसिस, देन वेयर इज द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड, तो एनर्जी अब्सॉर्ब कहां हो रहे, ऑप्शन, यस सेवेंथ ए क्लैप्ड,
सी, ये वाला सी कौन सा? वन टू थ्री कौन सा? ओके थ्री, लेट मी चेक. It is C is the correct answer. C is the correct answer. तो सेवेंथ ए के कितने पॉइंट्स हो गए? सेवेंथ बी, बैक नहीं करना, फ्रंट में रहो सारे, ट्रैक्टर हो जाओ. ये लास्ट रो तो बिल्कुल भी नहीं तुम्हारी हेल्प कर रही है, तुम हेल्प करवा नहीं रहे हो, ले नहीं रहे हो उनकी. Should we begin with the next MCQs? लेकिन इन MCQs को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, टीम भी अलग बटेगी. गेट बैक टू योर सीट्स. बाय द काउंट ऑफ फाइव यू ऑल नीड टू सेटल डाउन. वन टू थ्री एंड देन आई सेड बाय द काउंट ऑफ फाइव ऑल मस्ट सेटल डाउन. सी माय फिफ्थ फिंगर इज अबाउट टू. Yes, 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 yes. Quick, 7B, perfect. Pat your shoulders, 7B. Highly disciplined. But 7A, clap for yourselves. You are the winner for this first round. Okay? 7A, good. 7B, you must clap for 7A. दूसरों की तारीफ करोगे तभी ऊपर जाएंगे हम, है ना? Appreciation is very important. And next time, जो नेक्स्ट हमारा होगा उसमें तुमने जीतना है. आई एम विद यू पीपल, राइट? मे आई एक्सपेक्ट दिस? सेवेंथ बी, ऑल द बेस्ट. चलो, जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे वो है अभी देखो, डिपेंडिंग ऑन बच्चे, इफ माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. बच्चे इफ माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. ओके, इफ माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, परफेक्ट. अभी देखो, तुम सबने न्यूट्रिशन कर रखा होगा, एक टर्म किया होगा, और उस टर्म का नाम क्या है? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है बच्चा? न्यूट्रिशन में दो वर्ड्स तुमने याद रखना है. एक तो याद रखना है इनटेक. क्या वर्ड याद रखना है? इनटेक, ठीक है? या फिर हम वर्ड यूज कर लेते हैं, थोड़ी सी हाईफाई इंग्लिश अगर यूज करना है तो हम करते हैं प्रोक्योरमेंट. व्हाट डू वी कॉल इट एज? प्रोक्योरमेंट, राइट? एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हाट? ऑफ फूड, ठीक है? तो पहला टर्म न्यूट्रिशन का क्या है? कि हमने खाने को अंदर लेना है, वी नीड टू कंज्यूम दैट. एंड दूसरा क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड. व्हाट इज द सेकंड कॉन्सेप्ट? कि जो फूड हमने लिया वो उसको हमने क्या करना है? यूज करना है इन डेली लाइफ, ठीक है? अब बताओ मुझे कि तुम लोग भी खाना लेते हो? तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि, और उसके बाद उसको फूड को यूज कैसे कर रहे हैं? पहला इन आर ग्रोथ. पहला कहाँ यूज कर रहे हैं? इन आर ग्रोथ. दूसरा कहाँ यूज कर रहे हैं? इन डेली एक्टिविटीज. हम जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हर चीज को क्या चाहिए? एनर्जी. हर चीज को क्या चाहिए? एनर्जी. और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? फूड से. वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? फूड से. और ये जो दोनों प्रोसेस है कि इनटेक एज वेल एज यूटिलाइजेशन, उसके लिए जो हम टर्म यूज कर रहे हैं उसको हम क्या कह देते हैं? न्यूट्रिशन. क्या कह देते हैं हम इसको? न्यूट्रिशन. सेवेंथ बी, सेवेंथ ए बेटा, आपकी वॉइस नहीं आ रही. सेवेंथ बी की आ रही है, सेवेंथ ए की नहीं आ रही. अब देखो ध्यान से, डिपेंडिंग ऑन कि खाना हम खुद बना रहे या फिर कोई और हमारे लिए बना रहे हैं और हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं. जो न्यूट्रिशन है उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं?
कौन कौन से? सेवेंथ बी एनी प्रॉब्लम मैम? सेवेंथ बी एनी प्रॉब्लम? ओके ओके, सो बाय फ्रॉम माय साइड, लव यू ऑल, टेक केयर एंड कीप मिसिंग मी, राइट? मिस करोगे तभी नेक्स्ट क्लास की जल्दी से वेट करोगे, राइट गाइस? सो बाय, ऑल द बेस्ट, बाय, लव यू ऑल. आई एम नॉट गेटिंग दैट लव यू. बाय बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. Thank you so much, ma'am. I'm ending the meet. Bye, ma'am. Yes, I'm doing this. Please leave the meet.